हाय स्टूडेंट्स, आज ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो वैद्युत धारा था क्लास 12 फिजिक्स का, उसका ये क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर तो पूरा कंप्लीट करना है। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि गतिशीलता क्या है इसको समझाइए, या गतिशीलता पर टिप्पणी लिखिए, गतिशीलता यानी मोबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवावेग है। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवावेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है। इसे यू से शो करते हैं, गतिशीलता को जो शो करते हैं यू से करते हैं। माना वैद्युत क्षेत्र ई में उत्पन्न अपवावेग वी डी है। माना वैद्युत क्षेत्र ई में उत्पन्न अपवावेग जो है वी डी है। देन तब गतिशीलता बराबर, इसको यू से शो करेंगे, यू बराबर वी डी अपॉन ई, ये इसका सूत्र। बस इतना सा ही आपको लिखना होगा इसकी डेफिनेशन में। एक या दो नंबर में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत प्रतिरोध। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 10th में भी आपने पढ़ा होगा और 12th में भी है आपके लिए ये। इसमें ज़्यादा कुछ भारी तो है नहीं, थोड़ा सा बस समझना है। किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा आई के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से शो करते हैं। माना यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर वी तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, देन तब वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I, और इसका जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। और विमा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, याद कर लीजिए। ML² T-3A-2, ML² T-3A-2, और ये इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। अच्छे तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चालकता। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि वैद्युत चालकता क्या है इसको समझाइए, वैद्युत चालकता पर टिप्पणी लिखिए, या वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। तो फिलहाल तो हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है, केवल हेडिंग से ही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। इसकी डेफिनेशन, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं, और इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है, जिसे महो या साइमन भी कहते हैं, जिसे महो या साइमन भी कहते हैं। बस इसकी ये छोटी सी डेफिनेशन एक नंबर आपको बोर्ड में दिलाने की सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
क्वेश्चन नंबर 8 आपका चैप्टर नंबर 3 का कार्बन प्रतिरोध। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पुस्तक है कि कार्बन प्रतिरोध क्या है, कार्बन प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, या कार्बन प्रतिरोध पर टिप्पणी लिखी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ छोटी सी है तो थोड़ी बड़ी, लेकिन इतनी भारी नहीं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ऐसे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने के लिए बड़े प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, जिन्हें बनाने के लिए बड़े प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। बड़े प्रतिरोध धातुओं के नहीं बनाए जा सकते, जो बड़े प्रतिरोध हैं वो धातुओं के नहीं बनाए जा सकते। ऐसे प्रतिरोध को अर्धचालक द्वारा बनाया जा सकता है, ऐसे प्रतिरोधों को अर्धचालकों द्वारा बनाया जा सकता है। सबसे अच्छा व उचित तथा सस्ता अर्धचालक कार्बन है। सबसे अच्छा जो है और उचित और सस्ता जो है अर्धचालक कार्बन है। तो और इसमें ये है, कार्बन प्रतिरोध के मान को देखने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एक वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध के मान होते हैं इसके अलग अलग, उसके मान को देखने के लिए, मतलब कितना मान है उसके लिए एक वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध पर चार गोलाकार पट्टियां होती हैं। कार्बन प्रतिरोध पर चार गोलाकार पट्टियां होती हैं, जैसे कि चित्र में चार पट्टियां आपको दर्शाई जा रही हैं। ये देखिए, ये कार्बन प्रतिरोध है और इसमें चार अलग अलग तरीके की पट्टी, ये पहली पट्टी ए, ये दूसरी सेकंड बी, थर्ड सी और ये डी। चारों पट्टियां अलग अलग होती हैं और गोलाकार होती हैं। पहली जो तीन पट्टियां हैं प्रतिरोध के मान को शो करती हैं, शुरू की जो तीन पट्टियां हैं वो प्रतिरोध के मान को शो करती हैं, तथा चौथी पट्टी सहनशीलता को दर्शाती है, शो करती है। चौथी पट्टी जो है आपकी सहनशीलता, मतलब ये कितना लोड संभाल सकता है, उसको दर्शाती है चौथी पट्टी। आज के लिए बस इतना ही। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, और अच्छा यही होगा कि आप अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें।